हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टेक्स। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फेसबुक स्टोरी में आप जूम इन जूम आउट किस तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने काफी वीडियो देखी होंगी और आपको ये वीडियो कहीं भी नहीं मिली होगी, क्योंकि यूट्यूब पे अभी तक इस टॉपिक पर किसी ने वीडियो बनाई ही नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे ऐसे, क्योंकि मैंने एक बार वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम रील्स में जूम इन जूम आउट कैसे करें, तो उस पर मैंने बना दी थी वीडियो। तो वो वीडियो मेरी अच्छी खासी चल रही है। अब लोग मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि फेसबुक स्टोरी में जूम इन जूम आउट किस तरीके से करेंगे, तो आज की वीडियो में यही सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आपके लिए। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी लोगों को इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। आप अपनी स्टोरी को एक अट्रैक्टिव स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग सादा फोटो लगा देते हैं स्टोरी पे तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। अगर वहीं पे हमारा फोटो जूम इन जूम आउट हो या हम उसमें इफेक्ट लगा सके तो कितना अच्छा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगी, आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वरना आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी फेसबुक स्टोरी में जूम इन जूम आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपकी फेसबुक ऐप है अगर वो अपडेट नहीं है तो सबसे पहले तो आपको इसको अपडेट करना होगा, क्योंकि अगर आपकी फेसबुक अपडेट नहीं है तो आपके में वो फीचर नहीं आएंगे जो हमारी फेसबुक में यहाँ पे फीचर दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अपनी फेसबुक को अपडेट कर लेना है। तो चलिए हम अब फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। जब हम फेसबुक ओपन करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आया क्रिएट स्टोरी, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई सा भी अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फ़ोटो अपना यहाँ पे ले लिया है। अब आपको दिख रहा है ये फ़ोटो बिल्कुल सिंपल है। हम यहीं पे क्या करते हैं, स्टिकर पे जाते हैं, सॉन्ग लगाते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें इफ़ेक्ट लगाना है कि ये जूम इन और जूम आउट हो जाए। तो आपके लिए एक नीचे एक ऑप्शन दिखता होगा सी मोर का, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं, एनिमेट, एडिट विथ एप्स और सी लैप्स। तो आपको क्या करना होगा, एनिमेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप एनिमेट वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इधर देखिए काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो भी इफेक्ट चाहिए आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला वाला है वो जूम इन जूम आउट वाला है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी स्टोरी जूम इन जूम आउट होने लगेगी। अगर आपको लेफ्ट राइट वाला लगाना है तो आप सेकंड वाले पे क्लिक कीजिए, यहाँ से देखिए आपकी स्टोरी लेफ्ट और राइट होने लगेगी। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको जूम करना है, केवल जूम करना है, तो आप ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपकी स्टोरी केवल जूम होगी। और जूम आउट करेंगे तो आपको सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर देना है, इससे आपकी स्टोरी जूम आउट हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा जो इफेक्ट है वो है फर्स्ट वाला, ये वाला इफेक्ट सबसे अच्छा है, आप इसको यूज़ कीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको ये किस तरीके से करना है। और ऊपर आप स्टिकर पे जाएंगे, स्टिकर पे जाके आप म्यूज़िक पे जाके यहाँ से कोई सा भी सॉन्ग लेके और अपनी स्टोरी को अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।